हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जितने लोग इस वक्त ब्रॉड पर मौजूद हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। बहुत ही हंगामी खिताब है और बहुत अहम चीज़ पाकिस्तान के आवाम के सामने लानी है। हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज़ साफ आ रही है कासिम? जी भाई, बिल्कुल साफ आ रही है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में मुकीम है बशमूल ओवरसीज ममालिक, और जो इस वक्त ब्रॉड पर जितने लोग मौजूद हैं उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम आदाब अर्ज। आज मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 30 नवंबर 2024 की तारीख है, हफ्ते का दिन है, 30 नवंबर 2024
सैटरडे लंदन वॉक 10 to 12 AM. यानी 12 बजने में 10 मिनट सुबह के दिन के 12 बजने में 10 मिनट 9, 11, 12, 9, 10 मुख्तलिफ घड़ियों में टाइमिंग मुख्तलिफ होते हैं, तो समझ लीजिए कि बस 10 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। और मैं PTI के कारकुनों के और पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के इल्म में एक अहम इत्तला लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने टिकटॉक लाइव पर इस वक्त इतनी सुबह, यानी सुबह का मतलब दोपहर। बहुत ही ज्यादा यानी फिकर करने की कुछ गैर मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हुई है, जिसको मैंने कई हवालों से, कई ज़राए से मालूम करना चाहा, तो 100% बात एक जैसी किसी ने नहीं बताई, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो मैंने अपने जमीर की आवाज पर ये समझा कि फौरी तौर पर मैं PTI के और पाकिस्तान के अवाम के सामने ये इत्तला जो इंतहाई हैरान कर देने वाली और इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई फिक्रमंदी पैदा करने वाली और इस बात का तकाजा करती है ये इत्तला कि PTI के लीडर्स फौरी 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 इस पर इसको संजीदगी से लेते हुए, अल्लाह ना करे कि जो बात इल्म में आई है वो दुरुस्त हो, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इत्तला मेरे पास 28 तारीख से आना शुरू हो गई थी, यानी 28 नवंबर से, आज 30 नवंबर है, 28 नवंबर से इत्तलात आना शुरू हो गई थी। मैंने उसका जिक्र भी इसलिए नहीं किया कि उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी कहीं से, तो मैं अपनी मसरूफियात में से जो भी वक्त निकलता था मेरे पास, जो वक्त बचता था, मैं फौरन इसकी तस्दीक के लिए अपने जितने जराए हैं पॉसिबल उनसे राबता करता था, और उनसे राबता करने के बाद पूछता था कि भाई ये इत्तलात बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं, जो
इंतहाई परेशान कुन इत्तलात है इन इत्तलात का। मैंने कहा कि ये मुसद्दिका यानी इसके बारे में मैं चैलेंज नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता, ये गैर मुसद्दिका इत्तलात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो इस किस्म की इत्तलात कई अहम लोगों तक भी पहुंची हैं जिन्होंने अपने अपने तई उसका इजहार करके वो इत्तला अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अपने स्टडी सर्किल नंबर 169 में मैं हंगामी तौर पर इस वक्त दोपहर को हाजिर हुआ हूं, तो एक इत्तला यानी कैसे बयान करूं, मैं अल्फाजों का चुनाव करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बात ऐसी परेशान कुन है कि मैं उसे कैसे बयान करूं। मुझे इत्तला मिली है कि 28 और 29 तारीख के दो दिनों में 28 नवंबर और 29 नवंबर को आर्मी का एक स्पेशल ग्रुप है या आप आर्मी की बहुत ही एतमाद वाली इनर कैबिनेट कह लीजिए या आर्मी का बा एतमाद कॉकस CAUCUS कॉकस है जिसने 28 और 29 नवंबर को बंद कमरा, अब जरा गौर फरमाइए, बंद कमरा इजलास यानी उस इजलास में किसी को भी आने जाने की, हाँ वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, जनरल हो, कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसको जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही बाएतमाद लोगों का इजलास था जो बंद कमरे में हुआ और जेरे बहस एक ही नुक्ता था और वो ये था कि आप लोग यानी जो मेंबरान थे इनर कैबिनेट के आर्मी के फौज के कि आप लोग ये बताएं कि अगर, अब ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज लगा रहा हूं खुदा ना खास्ता क्योंकि मैं अब आगे का लफ्ज बोलने के लिए मुझे लाजमी खुदा ना खास्ता का और दुआ के साथ कि अल्लाह हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, किसको ये जेरे बहस मौजू आता रहा प्रोज एंड कॉन्स यानी अगर हम खुदा ना खास्ता तहरीके इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब को रास्ते से हटा देते हैं,
रास्ते से हटा देने का मतलब ये कि मतलब आदमी रास्ते से कैसे हटाएगा किसी को, यानी फिजिकली एलिमिनेट कर देते हैं उनको, खुदा न खास्ता मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तरीका कोई भी इख्तियार और वजह कोई भी क्यों ना बताई जाए, अगर फर्ज करें हम ये इकदाम करें तो कॉकस में ये स्पेशल जो डिस्कशन का ग्रुप था जर्नलों का, और इसमें कुछ जूनियर जर्नल भी थे, जूनियर जर्नल भी थे, कि अगर रास्ते से इमरान खान साहब को हटा दें तो आया कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा हमें। अब डिस्कशन चलता रहा चलता रहा, फिर दूसरे दिन कि आप लोग और गौर खोज करके बताएं कि पाकिस्तान आर्मी का ये ग्रुप इमरान खान साहब को रास्ते से हटा देता है। तरीके उनके पास, फौज के पास बहुत होते हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान को हटाया रास्ते से, वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब, आसमा जहांगीर साहिबा को हटाया, अब्दुल कदीर को हटाया और परवेज मुशर्रफ को भी इसी तरह से रास्ते से हटाया। तो दूसरे दिन भी ये बात होती रही, तो इस नतीजे पे आर्मी का कॉकस पहुंचा, जो इत्तलात गैर मुसद्दिका, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गैर मुसद्दिका, लेकिन पहुंचाना तो जरूरी है ना, पाकिस्तान के अवाम तक इल्म लाना तो बड़ा जरूरी है, पीटीआई के कारकुनों तक लाना जरूरी है, पीटीआई के रहनुमाओं तक लाना जरूरी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ताजा तरीन साजिश क्या हो रही है, कि अगर इमरान खान साहब को ये 28 नवंबर 29 नवंबर को हुआ है, 29 नवंबर को इस पर डिस्कशन में जो बात आई है वो ये आई है कि इमरान खान साहब को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो आर्मी के उस ग्रुप का ये ख्याल है कि एक महीने तक शोरो वावेला गुस्सा अवाम का ये होगा, उसके बाद अवाम ठंडी हो जाएगी और इस तरह से इमरान खान साहब से निजात भी मिल जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, बस यही इत्तला देने के लिए मैं इस हंगामी ब्रॉड पर आया हूं कि जो मेरी मुख्तलिफ अपने जितने मेरे ज़राए हैं वहां सब जगह बात की के बात तो कुछ है, तो आप लोग दुआ करें सब कि अल्लाह ताला गैब से इमरान खान को हिफ्ज़ो अमान में रखे और आर्मी के लोग जो साजिश मुमकिना साजिश बना रहे हैं वो अपनी साजिश में 100% नाकाम हों और इमरान खान साहब महफूज रहे।
अब पीटीआई के लोग अपने लीडरों को फोन करें, उनसे कहें कि फौरी तौर पर, देखिए एहतियात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात कर लेना जो है बहुत अहमियत की हामिल है, लिहाजा पीटीआई के रहनुमा एहतियात दी तदाबीर के तौर पे कुछ ना कुछ तो करें, वरना अल्लाह ना करे जो इत्तलात आ रही है, अगर वो आर्मी के लोग जो इनका कॉकस है आर्मी का, वो अपने मिशन में कामयाब हो गया तो फिर इमरान खान हमारे दरमियान खुदा ना खास्ता नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, साथियों, माओ, बहनों, बुजुर्गों, मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप मेरे लिए क्या ख्यालात रखते हैं, लेकिन बहसियत एक इंसान के, एक जमीर रखने वाला इंसान जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है, वो समझता है कि जो भी इत्तलात आए और अगर उसकी तस्दीक ना हो सके तो उन इत्तलात पर एहतियात कर लेने में हर्ज क्या होता है। अगर हम आज ही से कोई एहतियाती तदाबीर फौरी कर ले तो बेहतर होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि पीटीआई के लीडर्स अगर इस सिलसिले में मुझसे कोई बात करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। जब पीटीआई की जो सेंट्रल कैबिनेट है उसमें से कोई भी, मैं उन्हें मजीद और चीजें क्या फौरी तौर पे किया जा सकता है इसके बारे में बहरहाल बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया है। इन दुआओं के साथ के अल्लाह ताला इमरान खान साहब को हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर शर से, हर साजिश से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। बस ये अहम इत्तला थी, आपके इल्म में लाना थी, सो मैं ले आया। अब मैं कासिम अली रजा डिप्टी कन्वीनर ऑफ दी एमक्यूएम से कहूँगा कि वो दोहरा दें कि मैंने क्या अहम इत्तला इस हंगामी 12 बजे दिन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों महसूस की, और जमीन पर एक बोझ था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था तो ना सुबह आदमी जैसे चाय पीता है, किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा, फिकर लगी हुई थी कि कैसे अवाम तक पहुंचाऊं, सो मैंने वक्त मिलते ही आप तक ये इत्तला पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में आप इमरान खान की जुबान के लिए दुआओं में उन्हें याद रखें, खुसूसी दुआएं करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी राय। जी भाई, इजाजत है भाई। जी बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया भाई, आज आपने 30 नवंबर 2024 को अपनी 169वीं फिक्री नशिस्त, हंगामी फिक्री नशिस्त से ख़िताब किया है भाई, और आपने एक ऐसी इत्तला जिसने आपको
شدید تشویش میں اور فکر میں مبتلا کر دیا، اور یہ اطلاع عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے تھی، لہٰذا آپ نے ضروری سمجھا کہ پہلی فرصت میں اس اطلاع کو، چاہے یہ غیر مصدقہ ہی صحیح، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان، لیڈران اور پاکستان کے عوام کو اس اطلاع کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر کہیں یہ کوئی منصوبہ بن بھی رہا ہے تو اس پر فوراً احتیاطی تدابیر کی جا سکے۔ آپ نے بھائی اپنے ذرائع سے موصول ہونے والی اور حاصل کردہ معلومات کو جمع کرتے ہوئے ان کی تصدیق کی کوشش کی، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے علم میں آیا ہے کہ 28 اور 29 نومبر کو فوج کے ایک اسپیشل گروپ میں فوج کے با اعتماد، ایک تو قاسم علی رضا آپ کو روک کے معذرت چاہتا ہوں، ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی سیدھے اڈیالہ جیل چلے جائیں لیڈران جتنے بھی ہیں، کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے۔ بالکل درست ہوئی جی، ہاں تو یہ ذرا پلیز اس کے لیے ہریڈلی کام کریں خدا کے واسطے۔ جی بھائی اجازت ہو؟ جی بسم اللہ۔ جی بھائی، آپ کو اطلاع ملی کہ 28 اور 29 نومبر کو فوج کے ایک اسپیشل گروپ میں، جس میں فوج کے انتہائی با اعتماد افسران جن میں جونیئر جنرل بھی شریک تھے، ان کا ایک کوکس ہے، اور انہوں نے بند کمرے میں ایک انتہائی خفیہ اجلاس کیا، اور یہ اجلاس اتنا خفیہ اور اہم رکھا گیا کہ وہاں کسی غیر متعلقہ افسران، خواہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہی کیوں نہ ہو، انہیں اس اجلاس میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ اجلاس صرف اور صرف اس آرمی کے اسپیشل گروپ کے کوکس کے انتہائی قابل اعتماد فوجی افسران کا تھا۔ اس کوکس میں ایک موضوع زہر بحث آیا، اور یہ سوال رکھا گیا اس اجلاس میں کہ اگر آپ نے بھائی انتہائی تشویش کے لیے اور مناسب الفاظ کا استعمال بار بار سوچنے کے باوجود آپ نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا ان کے قتل کی سازش کی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کوکس میں یہ سوال کیا گیا کہ اگر ایسا عمل کیا جاتا ہے تو فوج کو کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پھر آپ نے ایک بات اور عوام الناس کو بتائی کہ راستے سے کسی بھی لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے کئی طریقے ہیں، آپ پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے، اور ڈاکٹر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو، پاکستان کے سابق صدر اور فوجی جنرل پرویز مشرف، اور انسانی حقوق کی بے باک نڈر خاتون محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو جس طرح ہٹایا گیا راستے سے، اسی طریقے کا ایک منصوبہ عمران خان کو بھی راستے سے ہٹانے کا بنایا جا رہا ہے۔ اور وہاں یہ سوال کیا گیا اس کوکس میں اگر عمران خان کو اس طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو عوام کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہاں یہ بات بتائی گئی کہ اس آرمی کے اس گروپ کا یہ خیال تھا کہ عوام کا رد عمل ایک آدھ مہینے تک رہے گا، عوام غم و غصے کا اظہار کریں گے اور پھر ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ہم جو فوج کی ایک اجارہ داری ہے وہ بھی چلتی رہے گی اور عمران خان سے بھی نجات مل جائے گی۔ ان تشویشناک اطلاعات پر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، اور جو عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کرے۔ اسی دوران بھائی آپ نے کہا کہ آپ کا یہ اخلاقی فرض تھا، اور آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ ضروری سمجھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ اور پاکستان بھر کے عوام کو اس اطلاع سے آگاہ کیا جائے کہ اگر کہیں یہ منصوبہ بن رہا ہے تو انہیں احتیاطی تدابیر لینی چاہیے،
एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौरी हंगामी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। और ख़ुदा न खास्ता अगर इन जालिम फौजी अफसरान के नापाक इरादे कामयाब हुए तो और उन्होंने अपने नापाक मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा दिया, उनका मिशन कामयाब हो गया, तो फिर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब हमारे दरमियान नहीं होंगे। आपने भाई एक मरतबा फिर ये बात कही कि आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपके बारे में कोई क्या ख्यालात रखता है। आप अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, आप अपने अल्लाह ताला को जवाब दें हैं, आप पाकिस्तान भर के आवाम को जवाब दें हैं, लिहाजा आपने ये तशवीशनाक फ़िक्र अंगेज़ इत्तला को पाकिस्तान भर के आवाम में पहुँचाना ज़रूरी समझा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से आपने दर्दमंदाना दरख्वास्त की कि फौरी तौर पर अडियाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें, और अगर उन्हें इस सिलसिले में, इस किस्म की साजिशों के तदारुक के सिलसिले में आपकी मदद की, आपकी गाइडलाइन की, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आपने एक मरतबा फिर उन्हें अपनी खिदमात गैर मशरूत पेश करते हुए कहा कि मैं इस सिलसिले में हाज़िर हूँ और उन्हें गाइड कर सकता हूँ। जी भाई, ये आज आपकी फिक्री नशिस्त का खुलासा था। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम अली रज़ा। अब इस सिलसिले में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी को भी, तो वो सोहेल खानजादा भी आ गए हैं, वो ब्रॉड पर कहे कि मैं बात करना चाहता हूँ तो उसको बुला लिया जाएगा। जी सोहेल खानजादा, जी भाई आदाब, काफ़ी जी काफ़ी लोग रिक्वेस्ट आई हुई भाई माइक के लिए, और जिसमें पीटीआई के भी भाई, हम आपकी इजाज़त से उन्हें हम ले रहे हैं। जी बिलाल मिर्ज़ा साहब, आप माइक पर हैं, आप बात कीजिए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये आप जो अभी खबर दे रहे हैं इसी के मुतल्लिक कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास मज़ीद कुछ मालूमात होंगे। क्या जी आप ये सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है, या आपके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं? और दूसरा एक मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे पाकिस्तान से MQM को बैन किया गया और ख़त्म किया गया किस्म का, क्या आपको लगता है कि PTI के साथ भी वही किया जा रहा है और वही होगा मुस्तकबिल में? देखिए, इस बात का तो ऐलान किया जा चुका है कि PTI को बैन करने के इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है, और किसी वक्त भी ये बैन कर सकते हैं PTI को। बात इसी पार्टी के बैन करने या ना करने की नहीं है, बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब के खिलाफ जो मंसूबा इल्म में आया है, मैंने कहा पहले कि मैं इसे गैर मुसद्दिका बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं गैर मुसद्दिका बता रहा हूं तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी कि मैं इस वक्त इस टाइम पे तो मैं आता भी नहीं, लेकिन मैं आ गया। क्यों कि इसमें देर नहीं करने की बात है, हमें अभी से कोई यानी वकला जो है वो डाढ़ियाला जेल चले जाए, उनकी बहनें चली जाए, यानी किसी तरीके से ये मालूम किया जाए इस वक्त इमरान खान साहब कहाँ हैं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ है उनको ये इत्तला दे दी जाए, मेरा नाम लेके कह दी जाए कि मैंने, मेरी इत्तला ये है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद मुर्शिद चौहान साहब से, आप प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट है, बात कीजिए। आप जो भाई ने गुफ्तगू फरमाई है उससे मुताल्लिक सवाल कीजिए। जी ब्लैक एंड रीच की आईडी से
आप बात कीजिए प्लीज, आपका माइक अनम्यूट है। जी जिया जिया अजीज भुट्टा साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप बात कीजिए। सलाम अलैकुम अल्ताफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, अच्छा कुछ दिन पहले मैं आपकी फ्रॉड पे आया था अल्ताफ भाई। वैसे तो मैं रोजाना आता हूँ, डेली आता हूँ, तो मैंने बात की थी कि चोलिस्तान के हकूक की खातिर मेरे बड़े भाई राशिद अजीज भुट्टा ने आवाज उठाई थी, तो उसको उठा लिया गया था और हर जगह के ऊपर उनके ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऊपर FIR हो रही हैं अभी तक। तो मैं अल्ताफ भाई, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो हमें अपना सरेकी, हालांकि देखा जाए तो जब पाकिस्तान नहीं बना देखा जाए तो जब पाकिस्तान नहीं बना था तब ये हमारी एक अलहदा रियासत थी और दुनिया की अमीर तरीन रियासत थी ये बावलपुर। तो आज हमने पाकिस्तान, जब पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया था तब गारंटी नवाब साहब ने दी थी, ठीक है, और आज हमें ये पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है? इनमें किन कौन लोग हैं ये जो इस तरह हरकतें कर रहे हैं? मैंने तो साफ कहा ना आपको, मैं छुपाता नहीं हूं, सबसे ज्यादा साफ बात खुल के मैं ही करता हूं। फौज 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 है, ISI और फौज। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भुट्टा साहब। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, जो भाई ने आज बात की है ना इमरान, उससे मुतालिक सवाल कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। जी ब्लैक एंड रिच की आईडी से आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, ब्लैक एंड रिच की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अल्ताफ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अल्ताफ भाई, मैं कुरैशी खानदान से। जी, कुरैशी खानदान से। देखिए आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्लैक एंड रिच की आईडी से। जब तक दूसरे को ले रहे हैं शेर भाई। जी शाहिद सिद्दीकी भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। सलाम भाई, क्या हाल है आपके? तो ईमान में रखे हैं। वालेकुम सलाम जी, और आज भी आपसे बात हुई थी। अब बस हम लोग के वही PTI के ग्रुप में ये बातें चल रही थी और के जो है इमरान खान की का जो बहुत सारी गैर मुसद्दिका न्यूज़ चल भी रही हैं, शहबाज गिल ने भी कहा और भी कहा, एक ऑडियो लीक भी चल रही थी जिसमें इन्होंने कहा था ना कि जिस थाने में जी इनको लेकर गए हुए उधर नहीं है वो, उनको GHQ में ही बंद करके रखा हुआ है, जो खबरें चल रही हैं। दूसरा ये है कि उसमें हमारे अभी ग्रुप में ही बातें चल रही थी कि भाई हमारी तो लीडरशिप पता नहीं अभी लीडरशिप कहाँ पर है, लेकिन एहतजाज की कॉल करें, कुछ करें, आवाज उठानी पड़ेगी। अभी अभी अब टाइम नहीं है हमारे पास, अभी संडे है, टाइम नहीं है बिल्कुल। शायद मियां ये इसमें देर करने का के बैठ के मंसूबा बनाएंगे, ये नहीं वो, नहीं ये सिवाय इमरान खान साहब से दुश्मनी होगी ये इस तरह का डिले करना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें लीडरशिप का तो कुछ नहीं पता अभी, लेकिन ये कि वही बातें हो रही हैं, लोग उठाएंगे इंशाल्लाह, आवाज़ उठानी है और टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास, और ये इनका कुछ पता नहीं है जो है कोई भी कार्रवाई कर दें। और एक और चीज़ मैं जो सुन रहा था उसमें कहते कि जी उनको जिस जगह पर रखा हुआ है वहाँ पे कोई उनके ऊपर ऐसा भी स्प्रे भी कुछ ऐसे किया कि उनसे उनका दिमाग में कुछ गड़बड़ भी हो, तो ये अब बहुत इट्स हाई टाइम कि हम सब जो है जितनी मैक्सिमम आवाज़ उठा सकते हैं एहतजाज पर लोगों को निकलना पड़ेगा। देखिए शाहिद सिद्दीकी मियां, आपने मेरी बात की तस्दीक इस तरह से की है कि और लोग भी इस शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं, तो और मैं जाहिर मैंने पूरा सब्र से काम लिया, लेकिन अब जो है वो कुछ घबराहट भी हो रही है मुझे और फिकर भी हो रही है, तो मुझे मजबूर कर दिया गया कि नहीं अब मैं जो कुछ भी है रख दूं सामने, बाकी अल्लाह मालिक है और PTI के लोग फिर जिम्मेदार जो है वो कुछ देखें। यही तो भाई मकसद किए गए, आप
माशाल्लाह आप बड़े लीडर हैं, आप बोल रहे हैं, मतलब ये कह रहा हूँ हमारी ये पता नहीं पीटीआई की लीडरशिप किधर है, आप बोल रहे हैं इतना, आई डोंट नो, आवाज़ जानी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, मैं तो बस इस वजह से हम लोग सब परेशान हैं यहाँ की पीआईटी की। जी दुआ करें, बाकी पीटीआई की लीडरशिप को आप लोग रब्ता करो भाई किसी तरीके से, ओवरसीज वाले रब्ता करें कि भाई खुदा के लिए कोई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। देखो अगर खुदा ना खास्ता बात हाथ से निकल गई तो हम रोते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह करते हैं, कुछ करते हैं भाई हम लोग। शुक्रिया, अल्लाह सेहत दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शाह सिद्दीकी भाई, थैंक यू वेरी मच। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा फराज लंदन की आईडी से, अपने माइक अनम्यूट कीजिए फराज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई, मेरी अभी ना बेसिकली इनके एक वकील है कदीर, उनसे भी बात हुई है, और अमीर अब्बास एंकर हैं उनसे भी मैंने कंफर्मेशन करने के लिए किए, तो वो तो ये बता रहे हैं कि अभी तक ये दो तीन दफ़ा गए हैं इनके लोग मिलने के लिए भी जेल में, और वो जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा उनको ना, और वो कह रहे हैं कि जेल में ही है, बट ये कि ये जो मामलात आ रहे हैं ये थोड़ा सा डिसइंफॉर्मेशन भी कह रहे हैं कि फैलाने के लिए और उनकी लीडरशिप के लिए भी वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल किया जा रहा है जिसमें 350 जो कारकुनान है एमकेएमके एक दौर में उनको मारगला से जो कहा गया कि पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर से गिराया गया था, वो भी इसलिए दिखाया जा रहा है कि अब इनके कारकुनान के साथ भी पीटीआई के कारकुनान के साथ भी यही अशर किया जाएगा जो एमकेएम के साथ किया गया है, और उसके बाद इनको जो इनकी पार्टी को जो है वो बैन किया जाएगा और गवर्नर राज करके वहाँ पे बाकायदा ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये मतलब उनको थ्रेट दिया जा रहा है कि अब और जितना ज़्यादा इनको डराया जाए और जितना ज़्यादा उनको दबाया जाए, तो ये चीजें हो सकता है फराज मियां के ये डिस इंफॉर्मेशन हो। लेकिन जब पहले 28 तारीख को आई तो मैंने कहा मैं इसकी अब तस्दीक करता हूँ, तो अब जाहिर है कि मैं अपने जराए से भी तस्दीक करूंगा। तो ये आपने जो ये कर रहे ना काम, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा रिकॉर्ड पे आ रहा है कि आप अपने तौर पे हर हर चीज कर रहे हैं खान साहब की जिंदगी बचाने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। इतना मेरा नहीं ख्याल है कि उनके अपने लीडरान इतना नहीं कर रहे हैं जितना आप इस टाइम पे बढ़ चढ़ कर, और आप पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और हर हर ब्रॉडो के ऊपर आप जाके इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ये आपको एक तो सलूट है इस बात के कि आप पाकिस्तानियों के लिए कितना फिक्रमंद है बेसिकली। और 7 बजे अल्ताफ भाई मैं खुद भी अपना एक लाइव ट्रस्ट स्ट्रीमिंग का शो करूंगा, वहां से इनको वकील को भी लूंगा, अगर हो सके तो मैं मुस्तफा भाई को मैसेज कर दूंगा लिंक वगैरह के साथ, अगर आपका टाइम हो तो आप प्लीज जरूर। जी मैं देख लूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ और मैं अवेलेबल हुआ, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर इसमें ही लग जाना है अपने जराए जितने भी हैं उनसे ताजा तरीन के अब क्या कंफर्मेशन है, क्योंकि ये भी तस्दीक नहीं हो रही है ना कि वो जेल में है या नहीं है। बेसिकली वो अंदर जाने नहीं दे रहे अल्ताफ भाई, किसी को भी नहीं जाने दे रहे। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप बात। बस ये आप फराज मियां जो जिससे राबता कर सकते हैं पीटीआई के लोगों से करें, उनको बताएं खुदा के लिए जो करना है अभी करना है, इसमें डिले नहीं करना। मैं इनके वकील को इसीलिए ले रहा हूँ अपने शो में कि ताकि हम लोग लाइव उस पर बात करें और लोगों से इनसे पूछे भी कि आप तो रोजाना जाते हैं, अब इस टाइम नहीं किया तो आपने फिर, बिल्कुल आपकी हकीकत बात है, बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एम अख्तर की आईडी से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। एम अख्तर की आईडी। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ भाई, कैसे हैं? मैं उकाड़ा पंजाब से हूँ, मेरा ताल्लुक है, तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जिस तरह से हमारी पार्टी को पहले से इन लोगों ने दीवार के साथ लगाया था, अब इनको लगा रहे हैं। जो भी सीधी बात करेगा उसके साथ ऐसा होगा, तो क्या ऐसी वजूहत नहीं हो सकती? हमारा असर और रसूख कभी नहीं है कि हम सब मिलकर दोबारा एक साथ होकर
इन सब का जो है सत्यानाश कर दें, क्योंकि हम लोग भी तो पाकिस्तानी, इन लोग का इतना हक तो नहीं है कि ये लोग ये कर सकें। देखें वो कर चुके हैं, अरशद शरीफ का आपके सामने है, आज तक कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। नकीबुल्ला महसूद आपके सामने है, उनके साथी सामने है। एमक्यूएम का तो चलिए छोड़ दीजिए, हम लोग तो लावारिस, हम लोग तो बाहर से आए हुए लोग, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है महाजरों की, चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन अरे नहीं सर, कलमा पढ़ने वाला कोई भी है पाकिस्तानी, जो जो आपने कुर्बानियां दी हैं, ये आप ऐसी बात करेंगे तो हमें दुख होगा। वो जो वो लोग कहते हैं उनको छोड़ो, हमारे हमारे जज्बात को मजरूह ऐसी बातें करके आप मत करें सर। आप भाई हैं, हम लोग सब मुसलमान भाई हैं, हमने सब जद्दोजहद इकट्ठी की है पाकिस्तान के लिए। मेरे भाई मैंने पेशकश की है ना कि अगर कोई लीडर सेंट्रल वो मुझसे बात करे तो मैं उसको कोई सेफ तरीके से उसको लाहे अमल, फौरी लाहे अमल बता सकता हूं कि आप फिलहाल तो यहां से आगाज करें। और देखिए कुर्बानियां तो इमरान खान साहब दे रहे हैं, तो क्या लीडर अब इतनी चीजें, अब कई लोग अभी मेरी ब्रॉड पे आए अभी मेरे खिताब के बाद, तो वो खुद तस्दीक कर रहे हैं कि हमें भी इत्तला मिली है। ये बस अल्लाह फिर संभालेगा इनको, जो ये जुल्म कर रहे हैं ना अल्लाह संभालेगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, दुआ में याद रखे बस इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा सर। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी वकास की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो? बस ठीक है वैसे, बाकी आपके सामने इत्तला बयान की अभी मैंने देखी। तो भाई ये आपकी इतनी बड़ी आवाज़ है, आप लंदन में रहते हो, मैं चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करो बरतानिया गवर्नमेंट से रब्ता करके और इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए डोनाल्ड ट्रंप तक, ये हो रहा है कुछ कुछ किया जाए, क्योंकि पहले ये तो मैंने ये कोशिश की, पहुँचाने जा रहे हैं बिल्कुल वाले। देखिए पहले तो मैंने ये कोशिश की, जैसे ही ब्रॉड खत्म होगी उसके बाद मैं एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को, होम डिपार्टमेंट को लिखूंगा फौरन के we have got this information but you please use your good offices to stop this plan, nefarious design to eliminate imran khan। america ko bhi likha jaye, america tak khabar pahunchai jaye, donald trump tak bhi likha suno। main wahan apne units ko wahan par bhi kehta hu, main yahan se bhi karta hu, bas dua kare। क्योंकि मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमारा एक दोस्त है, उसका कज़न होता है इस्लामाबाद पुलिस में, उसने रब्ता किया है, वो पुलिस वाले तो रो रहे हैं। अपने तौर पे तो आर्मी वाले पुलिस वाले जो भी बात करते हैं वो बात करने से पहले दाड़े मार मार के रोते हैं कि ये सब कुछ जानते बूझते हो गया है। तो इन्होंने लाशों को उठाकर 1000 से ज़ायद लाशें आर्मी वाले उठा के ले गए मागला की पाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग मसला है। मागला की पाली के अंदर लाशें दफनाने का ये क्लियर सबको इन्फॉर्मेशन है, वहां पर इन्होंने सब कुछ एलिमिनेट किया है और जिंदा लोगों को इन्होंने वहां पर दफनाया है, ये भी पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। भाई ये तो देखिए ना, चौधरी शुजात साहब जिंदा है, चौधरी शुजात साहब के घर कोई चला जाए अभी और पूछे कि चौधरी साहब एम के एम के लोगों को नसीरुल्ला बाबर ने, जनरल नसीरुल्ला बाबर ने बरगला की पहाड़ियों पर इस्लामाबाद में दफन किया या नहीं किया, आप पूछ लीजिए। आपकी बात फिर मैं टोक रहा हूँ, चौधरी शिजात का तो नाम ही ना अपनी ब्रॉडकास्ट में प्लीज लिया करो, इस तरह के बेगैरत तो जिंदा ही मार जाने चाहिए। नहीं नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कि बात सिर्फ तस्दीक की कह रहा हूँ कि तस्दीक कर लें। तस्दीक क्या करोगे, वो तो जर्नलू का कुत्ता है, वो क्या तस्दीक करेगा है, लेकिन उसका बयान हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद है लाइव। आप देख लो इतने लोगों को गोलियां लगी, 1900 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है और 1000 के करीब लोग जो है वो वोट हो गए, शहीद हो गए। तो अभी तक हमारी अदलिया जो है वो सुम बुकमन यूनिफॉर्म लॉयर जून बनी हुई है,
अंधे बहरे गूंगे बने हुए, कोई पूछ नहीं रहा, जो बात नहीं कर 26वीं रहा। आईनी तरमीम जो थी, पहली बात तो मुझे इस पे बहुत एतराज है, आप बुरा नहीं मानिएगा कि पीटीआई के लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम पर एक एक मिनट के लिए अभी इजलास में क्यों बैठे इनके साथ। सर पता क्या है, जितनी को जितने बड़े लेवल पे फस्तियत हो रही है ना, इतने बड़े लेवल पे लोगों का इतना स्टामिना नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। हर कोई खान तो नहीं बन सकता ना कि वो बर्दाश्त कर दे। लोगों की जब इज्जतों को उठा ले, लोगों की बीवियों को उठा लिया जाता है, बहनों को उठा लिया जाता है, लोग भी मजबूर हो जाते हैं घरों में। आप देखो वो जो ताड़ा इम्तियाज है मंडी बावलदीन से, उसकी वाइफ के पाँव के ऊपर लोग खड़े हो गए, उसके पाँव के ऊपर खड़े हो गए। मेरे भाई मुझे एक एक जुल्म मालूम होगा, क्या उसकी इज्जत के साथ खेला होगा, ये चीजें तो वो भी अपनी इज्जत के लिए नहीं बता रहे ना। जी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी लोग हैं लाइन में, थैंक यू वेरी मच। ये अब्दुल हफीज भाई आप जी अफसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अदाब अर्ज अल्ताफ भाई कदम बोसी तस्लीमात जीते रहिए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, एक आधा मिनट चाहिए आपसे, आपने इंतहाई अहम मौजू और इंतहाई इस वक्त जो हालात है उसके ऊपर आपने वो किया है। मैं अल्ताफ भाई आपकी ब्रॉड के हवाले से इस वक्त साथियों से और अल्ताफ भाई की ब्रॉड के हवाले से इस वक्त जो मौजूद खवातीन हजरात माए भरे सुन रहे हैं, देखिए अल्ताफ भाई की गुफ्तगु में और सवालात में थोड़ा एक वक्फा आ जाता है और ये रिकनेक्टिंग पे जा रहा है। इसमें बाकायदा तरीके से इसको रोकने की ब्रॉड को कोशिश की जा रही है, जैसे ये हो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने कीपैड से डॉट जो है डॉट ये डॉट जैसे ये मैंने डॉट किया और डॉट को आपने मैसेज में भेज देना है। जैसे आप मैसेज में डॉट भेजेंगे ये ग्लिंच खत्म हो जाएगी और जो भी पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे होंगे और जो ब्रॉड होगी वापस बहाल हो जाएगी। ये बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, ये देखिए मुसवा भाई ने साथियों ने किया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम हो आप सब ने डॉट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल से अल्ताफ भाई, आपने जो आज का मौजू जिस मौजू पे इमरजेंसी में आपने सवाल किया अल्ताफ भाई, यहाँ दो सवाल है कि 26 नवंबर के बाद किसकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से जेल में फैमिली में, ये फौरन मालूम करना चाहिए। आपने जो इतलात दी अल्ताफ भाई, इस इतलात में एक इतला ये भी है कि या तो इमरान खान साहब के साथ कुछ हो गया है, एक उस पर सोशल मीडिया पर सुना मैंने कि उनके साथ या तो कुछ हो गया या उनको चेंज कर दिया, किसी और जेल भेज दिया जिनका अभी किसी को पता नहीं है। और ये आर्मी वालों का जनरल्स का जो मीटिंग का आपने जिक्र किया है उसमें कुछ जनरल हक्का बक्का रह गए थे, परेशान थे, उनके चेहरों पे इस तरह से बताया गया है कि वो परेशान थे। और एक जनरल साहब जो सवालात कर रहे थे उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, जैसे पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब के साथ हुआ था वैसे ही एक महीने में हम संभाल लेंगे। तो अल्ताफ भाई आपका शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान की आवाम बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की आवाम को मौके के ऊपर आपने इसको लोगों को आगाही दी, इसका शुक्रगुजार हूं। और बाकी अल्ताफ भाई अगर आप कुछ कहना चाहें नहीं तो फिर मैं अगले पार्टिसिपेंट को मधु करूं। मैं बहुत शुक्रिया नहीं, देखिए ये मेरा इंसानी इखलाकी मेरा फर्ज है और मैं आपको मालूम है कहीं भी जुल्म होता है तो मैं तड़प जाता हूं। ये तो इतनी बड़ी बात है कि इमरान खान कोई रोज रोज थोड़ी पैदा होते हैं, लोगों को सोचना चाहिए इस बात का, जितनी देर करेंगे उतना लूज करेंगे। बेशक अल्ताफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद इब्ने अली अकबर, मोहम्मद इब्ने अली अकबर की आईडी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, सवाल कीजिए अल्ताफ भाई से आज के मौजूद के हवाले से। सलाम वालेकुम, आईडी का नाम मेरा आईडी का नाम है मोहम्मद बिन अबी बकर, मेरा ताल्लुक है पारा चिनार से। अल्ताफ भाई सलाम वालेकुम, स्पेशली अल्ताफ भाई सवाल थोड़े से मुश्किल होंगे, मैं अभी जोर से सवाल कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई जो हमारा मसला है, टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सवालात करना बनता है और आपसे ही बनता है,
बाकी हम किससे करें, जो सवालों के जवाब देते हैं हम उन्हीं से सवाल कर सकते हैं ना। तो जी। सवाल ये है मेरे कि आप 2007 और 7, 8, 9, 10 उस टाइम तो आपको पता है ना पाकिस्तान में जो हालात गुजरे हैं, उस टाइम आपकी पार्टी तकरीबन स्ट्रांग थी और आपकी लीडरशिप तकरीबन स्ट्रांग थी और आप जानते हो, तो उस टाइम जो हमारे ऊपर जो सिचुएशन आई थी उसकी बाद सेम सिचुएशन जो हम आजकल देख रहे हैं वो अभी 2024 की 24 में हमारे ऊपर आई है। तो ये क्या मसला है, जब भी पाकिस्तान के हालात बुरे होते हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत बुरी हालात आ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? आप थोड़ा सा प्लीज अगर क्लियरली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लो तो बेहतर होगा। देखें भाई, मैं अपनी फिक्री नशिस्तों में आज मेरी 169वीं यानी 169 हो गए हैं, ये मेरी नशिस्त है और मैं 100 दफा बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, तरीक़े वारदात फौज और आईएसआई की डिवाइड एंड रूल, मजहब की बुनियाद पर, फ़िक़ों की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर लड़ाना और अपनी ताकत को और आगे बढ़ाना, ये फौज का अमल रहा है, ये बरतानिया की फौज है ये ट्रेंड करदा, और वही उसूल और जवाबित, हत्ता के उनके फौज की ट्रेनिंग के जो नारे हैं, राइट टर्न लेफ्ट टर्न, तो ये नहीं कहते दाएं मोड़ बाएं मोड़, ये मतलब इनके नारे भी वही हैं अभी तक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक इत्तला मेरे पास आई है और जैसे पारा चनार में जिस वक्त हुआ था तो पाकिस्तान में सबसे पहला बयान मेरा गया था ट्वीट, और सबसे पहली ब्रॉड मैंने की थी और उसमें तमाम चीजें बताई थी, कैसे मस्जिद से फायरिंग हुई, कैसे रोका, फौज कैसे गायब हो गई, पुलिस कैसे गायब हो गई, एफसी कैसे गायब हो गई। ये इसलिए कराया था इन्होंने कि एक बड़ा वाकया, बहुत बड़ा वाकया दर्दनाक हुआ है, तो किसी तरीके से 24 तारीख की कॉल जो है इमरान खान साहब की वो मुलतवी करवाई जा सके, उस पे आने से लोगों को रोका जाए। अब इन लोगों का, ये जो ताकतवर अनासर होते हैं, इनके लिए इंसानी जानों की कोई कदर नहीं होती है भाई। ये आईएसआई है, फौज है, जो पारा चनार के तमाम फसादात की जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। अच्छा सर जी, एक मिनट, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है ना, कम से कम ये हमारे मोहम्मद भाई, इदारे जो है मोहम्मद भाई वो, एक सवाल कर ले प्लीज, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा सर प्लीज, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर भाई बोलिए 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 भाई, अगर हमारी जो फौज है, हमारी आईएसआई है, वो अगर हमारा नहीं सोचती है तो एंड तो हर किसी का आता है ना, तो एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का तो इनको, इन्होंने कभी आज तक मुल्क की फिक्र की है? इन्होंने तो हमेशा इस चीज की फिक्र की है कि हमारी दौलत में कितना इजाफा हो ताकि हम कोई जजीरा ऑस्ट्रेलिया में या कोई मैकडोनल्ड की तर्ज की कोई चेन अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में ले ले, और यही सारे जर्नैल कर रहे हैं। इनको इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान रहे या न रहे, इनसे इससे कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए। पाकिस्तान से मुखलिस होते तो कोई एक जंग तो जीत लेते ना, ये अवाम को फतेह करते रहते हैं, अवामी को फतेह करते चले आए। मैंने जब से होश संभाला है मैंने तो यही देखा है। तो फिर अल्ताफ भाई, एंड इनका बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि हर जुल्म का खात्मा आने वाला होता है ना। देखिए, इस वक्त चाहिए हम सबको
तमाम मजाहिब के लोग, तमाम, देखिए पीडीएम को निकाल दीजिए, पीपल्स पार्टी को, और ये नून लीग को निकाल दीजिए, इसके अलावा जितनी भी प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं और अवाम हैं, वो मिल के जनाब जो है वो एक मर्तबा कुर्बानियां दे दें, चाहे उसमें 1,00,000 जानों का नजराना पेश हो, इनसे जान छुट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि हर किसी की हुदूद होती है, घर के अंदर भी कवानीन होते हैं। लेकिन ये तो वो हैं जिन पे ना अदालत उज़्मा का कानून चलता है, ना आईन को ये देखते हैं, ना कानून को देखते हैं, ये मावराए आईन और कानून है ये लोग भाई। और ये मुल्क को तोड़ने जा रहे हैं, अल्ताफ भाई मैं कसम खाता हूँ, अक्सर इससे पहले ना, जब से इमरान खान नहीं गया था ना, इससे पहले किसी की भी सामने अगर कोई हम बात करते थे ना आर्मी के खिलाफ, लोग लड़ पड़ते थे, इवन आपके खिलाफ थे हम लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ही था। आपकी भी कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आज तो आप सब पहचान गए, सब पहचान गए कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। जज़ाकअल्लाह, बेशक बेशक, इस वक्त पाकिस्तानियों में एक ही चीज है कि बस फौज से निजात, इनकी निजात का मतलब, असल में लोग फिर वो बहस करने लगते हैं फौज तो सबकी होती है हर मुल्क की, अरे भाई फौज नौकर होती है, अवाम के टैक्सों से चलती है, इसको मदाखलत करने का इख्तियार, जो कानून इतना सख्त होना चाहिए और उस पर अमल दरामद और सिविलियंस इतने बाशऊर होने चाहिए कि जो जनरल सियासत में हिस्सा ले उसको सीधा सीधा फौरन 3 रोज का ट्रायल करें, लटका दें। मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच, इट्स अ लॉन्ग क्यू, मुझे टाइम देने के लिए जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा ताहिर हाशमी भाई से, ताहिर हाशमी भाई अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए आज के मौजू के हवाले से, जो अल्ताफ ने इंतहाई अहम सवाल रखा है आप लोगों को बताया है, और मैं मौजूद खवातीन हजरात से गुजारिश करूंगा प्लीज डबल टैप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, 127 लोग हैं, ये 4-5-10 मिनट के अंदर ही आप इसको 1,00,000 से ज्यादा कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अल्ताफ भाई के इस टिकटॉक अकाउंट को, एटलीस्ट टीम मेंबर बन जाइए, एक कॉइन तो भेजिए प्लीज, आप एक कॉइन भेज के एक टीम मेंबर जरूर बनिए। देखो जिस जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सबको नोटिस मिल गया और वो सब आ गए, तो सब्सक्राइब करने में फायदा ये होता है डायरेक्ट नोटिस मिलता है। शुक्रिया भाई, ओके ताहिर भाई आप दोबारा ट्राई कीजिए, आपका प्रॉब्लम लग रहा है। मोहसिन सईद भाई आप आइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। आदाब फिर सर, सब सुन लो फिर सर, मैं नॉर्मली तो कोशिश करता हूँ कि साथी जो बात कर रहे हैं कर लें, लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे आना चाहिए, जो इंटेंसिटी है जो इस वक्त आपने जिस शिद्दत का इजहार किया है फिर सर, बहुत देर हो जाएगी अगर कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इनकी तारीख है कि ये ब्रूटल किस्म के अमल करते हैं, और उसके बाद इन्हें यह भी पता है कि जब एक इंसान को एलिमिनेट कर दो तो उसके बाद 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद नॉर्मल लाइफ आ ही जाती है। इन्होंने कायद आज़म की शुरू करने मिर्शा वहाँ से कत्ल कायद आज़म को किया, उनकी बहन का किया, लियाकत अली खान को भी कत्ल किया, भुट्टो को किया, बेनज़ीर को किया, आसमा जहांगीर, डॉक्टर कदीर मिर्शा, ये तो नाम सिर्फ वो हैं जो सिर्फ बेनज़ीर के भाई को उसकी गवर्नमेंट में मार, तो ये डरेंगे नहीं। कोई सुनने वालों को समझना चाहिए कि कोई सोचे ना करके इमरान खान को कोई मोहब्बत में अभी तक कुछ रोका हुआ है, क्योंकि उसके भी माशाल्लाह लिंक है अंदर, वरना ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे, किसी रात को भुट्टो की तरह सुबह पता चलेगा फांसी दे दी, और उसके बाद फिर लोग रोड पर आएंगे, टायर जला देंगे, शॉपें जला देंगे, 5 नहीं 50 बसें जला दो,
स्कूल बंद कर दो, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर 3 days, 4 days, नेक्स्ट 5 days पीपल ब्रिंग लाइफ नॉर्मल ना, क्योंकि इसके अंदर फिर सब लंबी हरकत तो उनको ये पता है कि कुछ भी नहीं होगा। मार अगर अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो उससे पहले अगर अल्ताफ भाई ने अगर उसमें अलर्ट जारी किया है तो फौरी तौर के ऊपर प्लीज़ पीटीआई के लोगों इस पर एक्शन लो, उसकी उसको खैरियत पता करो और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है जैसे अमेरिका को बोलें कि उसका कॉन्सुलेट जाके उसकी खैरियत पता करें, ब्रिटिश जाए खुद जाएं और उसको पता, हमें ये खदशा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, जहर भी दे सकते हैं, फांसी भी दे सकते हैं, फौजी अदालत में भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कल के दिन में, आज ही आज में प्लीज पीटीआई के और जो भी पाकिस्तान के मफाद में बात कर रहे हैं वो आज ही के ही दिन कोई ना कोई इसमें अमल करें। मोहसिन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ISI और फौज के पास ऐसे इंजेक्शन हैं जिसको दुनिया में किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता, और आदमी चला जाता है और डायग्नोसिस नहीं होती है। एक इंजेक्शन और एक दवाई ऐसी होती है जिसमें रेडियो एक्टिव पॉइजनस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलाते हैं, जैसे कि यासिर अरफात को पोलोनियम दिया गया था, फ्रांस की लेबोरेटरी, फ्रांस का अस्पताल नहीं उसको शनाख्त कर सका। वो तो लंबी कहानी है, मैं उस कहानी में जाना नहीं चाहता कि किस तरह मालूम हुआ कि पोलोनियम उसको दिया गया था पॉइजन यासिर अरफात को मारने के लिए। तो इनके पास ऐसे इंजेक्शन हैं कि ये उसको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक करार दे देंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं पेशा, और किसी कहीं जा किसी कोर्ट के पास, इनके पास कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है कि वहाँ जाकर अपील भी कर सकें, कि ना सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई हाई कोर्ट अवेलेबल है, ना कोई आईनी अदालत, ना गैर आईनी अदालत अवेलेबल है जो इनकी सुनेगी। इनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, कि कोई ना फौज सुनेगा, ना अदालतें सुनेंगी, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेजिडेंट, कोई नहीं है पेशा वहाँ पर सुनने वाला इसमें। तो इनको अपने तौर के ऊपर ही आज हरकत करनी चाहिए, मूव करें, कुछ ना करें, उसकी उसको जाकर जेल में मिलें और फाइंड आउट करें कि कहाँ पे रखा है, उसकी खैरियत पता करें, उसको पूछे सवाल करें, मीडिया को लेके जाए, सवाल करें कि क्या हुआ लास्ट 2-3 दिनों के अंदर, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो उस वक्त फिर हाथ मलते सब रह जाएंगे और बड़ी शख्सियत चली जाती है, उसके बाद हम जैसे लोग तो पेशा हजारों मिल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर, आप जैसे लीडर जो होते हैं वो हमें किस्मत से ही मिलते हैं, और अब कोई है नहीं इस मार्केट में, इस पाकिस्तान के अंदर दूर दूर तक कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो अब इनसे इनसे कुछ खड़े होकर बात भी कर सके। मसला ये है इनसे बात करना, बात करने वाला भी ठीक है बेटा, बात लंबी हो गई है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए, उनको पूछने दीजिए बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। मौजूद खवातीन हजरात, आप जो अल्ताफ भाई से सवाल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन अकाउंट्स में बच्चों की तस्वीरें हैं हम उनको अलाउ नहीं कर सकते लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अडल्ट है तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ आप बच्चों की या तो तस्वीर चेंज कर लीजिए या फिर आप अपनी तस्वीर लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए, तो फिर हम आपको ले सकेंगे। खासकर राजा की ID और मूसा की ID, देखिए बच्चों की तस्वीर है, हम आपको नहीं ले सकेंगे। जी, मैं गुजारिश करूंगा ताहिर हाशमी भाई, इनोसेंट भाई रुकिएगा, ताहिर हाशमी भाई आप ट्राई कीजिए, अब आप सेकंड टाइम आए, आपका माइक देखिए, ताहिर हाशमी भाई, ओके इनोसेंट भाई गो अहेड, प्लीज अनम्यूट कीजिए, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम जी, सबको मेरी तरफ से सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूं, अली नाम है मेरा जी, बोलिए जी। जी मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन आपको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी हम फॉलो करते हैं पाकिस्तान में जो भी सर्कमस्टांसेस हो रही होती हैं ना, करंट अफेयर्स जितने भी होते हैं जी, तो जी। अभी जो करंटली PTA के साथ जो हो रहा है, ठीक है, आपकी मैंने कल भी लाइव सुनी है और आज भी मैंने लाइव काफ़ी देर से सुन रहा था आपका स्टांस कुछ इदारों के खिलाफ, और खुसूसन बखसूस PTI के हक में आज काफ़ी जा रहा था, तो मैंने कहा चले मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो।
जी जी देखें इमरान खान साहब जो है ना उनका आपके बारे में केस करवाने लंदन में और आपको दहशतगर्द कहना, ठीक है, आपका इस तरफ उनकी तरफ झुकाव ना, ये कुछ कुछ लोग ऐसे मेरी तरह जो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, उनके लिए मतलब ये समझ से बाहर है। तो क्या आया ये चीज़ इमरान खान के हक में जाने की वजह सिर्फ यही है कि वो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसलिए आपका स्टांस उनकी तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान की तरफ आपकी मतलब मोहब्बत बढ़ी है? तो कल को मतलब कोई मतलब एक MQM जो एक जमात थी, एक स्टांस था एक MQM का, एक जानी पहचानी, अब आपके भी पता है MQM के काफी पार्ट्स हो चुके हैं, तो मतलब कोई भी बंदा कल को कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा फौज के खिलाफ तो MQM उसके साथ भी स्टैंड ले लेगी। अपना स्टांस आपका कहाँ गया? आपको वो दहशतगर्द बोलता रहा इमरान खान, अब कहते हैं तो मैं दूसरे फोन से अभी आपको वीडियो प्ले करके दे देता हूँ। अली भाई, आप जी 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 आपका सवाल आ गया, आप जवाब सुनिए अलता भाई। जी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। देखे मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर सी बात बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब 92 में मैंने उनको वजीर आजम बनाया, पूरी दुनिया जानती है, तारीख पे लिखा हुआ है। उन्होंने उनके लिए मैंने बहुत काम किया, बड़े बड़े जलसे किए, एशिया का सबसे बड़ा जलसा किया। वो आते ही उन्होंने 2 साल बाद ही MQM के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन जब नवाज शरीफ की के वालिद का इंतकाल हुआ और जनाजे में शरीक नहीं होने दिया, और जो उनकी बीवी के साथ हुआ, और फिर जो इन लोगों को जेल में रखा, बीबी ये मरियम नवाज को और इनको, तो मैंने क्या इनके लिए आवाज नहीं उठाई? क्या बेनजीर और उसका भाई जो मीर मुर्तजा भुट्टो, क्या मैंने उसके लिए आवाज नहीं उठाई? कोई भी कश्मीर हो, कश्मीर के लिए क्या मैं आवाज नहीं उठाता? क्या मैं अभी पारा चनार में जो हुआ है आंसुओं से रो रो के क्या मैंने फरियाद नहीं की? तो ये बात इसकी नहीं है कि ये आर्मी के खिलाफ है, बात ये है कि आप मुकदमा चलाइए तरीके से। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, मैं खुद शाहिद हूं इसका के 8 फरवरी को जब नतायज इन्होंने बदल दिए, लाख उसने मेरे लिए कुछ कहा हो, ये तो गलत बात को मैं गलत कहता हूं, चाहे वो मेरे दुश्मन की क्यों ना हो। अगर उसके साथ गलत किया जाएगा तो बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा। जी पता है ना इसके कि उसने मेरे लिए किया। भाई ये तो आपका एक अपना बड़ापन है, या जो अभी आपका एक दिल में जो बात है वो आप रखते हैं आवाम के सामने, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन आपको मैं एक बात से ज़रूर आगाह करूंगा कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले ना इमरान खान की गवर्नमेंट में एक और पार्टी है पाकिस्तान में, तरीके लबैक पाकिस्तान, उनको भी स्ट्रेट फायर करके शहीद किया गया था नौजवानों को रोजे की हालत में, तो उस बारे में आपकी कोई बात नहीं आई सामने? तहरीके लबैक पाकिस्तान के लोगों ने उनको जो उनके अमीर थे जब उनको मारा था, सिर्फ मेरा बयान आया था कि इनको कत्ल किया गया है और ISI ने इनको कत्ल किया है, मैंने तो साफ बोला था। मतलब आपकी हर जवाब में, आपके हर बयान में ISI और फौज इन्वॉल्व होती है, आप जहां भी नजर आता है आपको कोई आंसर फौज के खिलाफ बोलने का तो आप बात करते हैं, अदरवाइज आप कहीं भी बात नहीं करते, ये आपका स्टांस है? इनोसेंट भाई, अल्ताफ भाई मजलूमों के साथी है, ये नारा नहीं है, ये हकीकत में है, तारीख उठा के देख लीजिए। सर मजलूम तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में महंगाई से फंस रहे हैं वो मजलूम तो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में एक टाइम की रोटी नहीं है, उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन जहाँ पे भी फौज के एलिमेंट है आपके भाई साहब बात करते हैं। अली भाई देखिए आज का जो टॉपिक है वो ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपने तनकीद की, आपका हक था, अल्ताफ भाई ने जवाब दिया उसका, ठीक है, हम दूसरों को मौका देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ताराशमी भाई आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम है, आप दोबारा जाके वापस आइए। तौहीद बेग भाई से मैं गुजारिश करूंगा, आप नेक्स्ट कॉलर हमारे, तौहीद बेग भाई आइए सवाल कीजिए। तौहीद बेग भाई, तौहीद भाई क्या आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही, चले ओके
ठीक है साथियों, तो फिर भाई ये हुसैन भाई है, ये लास्ट कॉलर कर लेते हैं हुसैन भाई को। ये हुसैन भाई आ गए। हुसैन भाई कैन यू हियर मी, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है, आज ये आवाज नहीं पहुंच रही है दोस्तों तक, अब आप तक। ओके, बहुत माजरात। अल्ताफ भाई अख्तितामी कलमात की तरफ जाते हैं फिर। मैं आप तो ये मतलब जाहिर है कि वो लोग नहीं कभी चाहेंगे कि मैं जो इत्तला दे रहा हूं, और लोगों को मालूम है कि अल्ताफ हुसैन झूठ नहीं बोलता है और जो बात होती है खुल के बयान करता है, तो इस वक्त तो पूरी मिशनरी मेरे ऊपर लगी हुई है कि किसी तरीके से मैं बात नहीं कर सकूं। लेकिन जितने लोगों ने सुना कम अज कम उन्होंने तो सुन लिया ना। जी जा भाई आप आए हैं, सवाल कर लीजिए आप। लास्ट कॉलर बन जाइए आज के। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, मेरा सवाल नहीं है, मैंने बड़े देर से एक सोचा हुआ था कि मैंने आपसे, काश कभी मेरी मुलाकात हो आपसे लंदन में। मैं एक टिपिकल पंजाबी था जो कि आपको बहुत ही बुरा भला कहता था आज से कोई 4-5 साल पहले तक, और मैंने बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ कंपेन भी की, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा लवाजमात भी बकी। तो सिर्फ मैं आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला है मैं आपसे अपोलोजाइज करूँ फेस टू फेस, क्योंकि हमारी नज़रों पर एक गलत चीज़ का पर्दा डाला गया था। हमें पढ़ाया गया था कि जी ये जो महाजर हैं ये हमारे दुश्मन हैं, और ये हमारी फौज ने हमारे खिलाफ जो नफरत पैदा की थी आपस में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भला करे ये फेसबुक वालों का, टिकटॉक वालों का, जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हमारी आंखें खुलें, हमें पता चले हमारे असल दुश्मन है कौन। इसलिए मेरा दिल था कि कभी आपसे मुलाकात हो इंग्लैंड में, लंदन में, तो आपसे जरूर जरूर, जब भी आप चाहें आप मुलाकात के लिए रब्ता कर सकते हैं। ये पूरे सारे साथी हैं और कोई बात नहीं। देखिए अब आप उस पे आ गए हैं, मतलब ये कि अब आप असल दुश्मन को समझ गए हैं इस वक्त। फिलहाल मेरा जो मसला है, मेरा जो फिकर है, मेरी जो तकलीफ है, और मेरी क्या बल्कि हर उस शख्स की तकलीफ होगी जो इमरान खान साहब का चाहने वाला है, क्योंकि कोई भी अपने लीडर का बुरा नहीं चाहता। तो अल्ताफ भाई, हम लोग जो है ना, हम पाकिस्तान से पीएचडियां करके पढ़ के हमारे माँ बाप ने अपनी जिंदगियां गाल दी, कोई अपने ऊपर एक रुपया खर्च नहीं किया, हमें पढ़ाया गुरबत में ना, और हम लोग इधर टैक्सियां चलाते हैं, इधर आके चिप शॉप पे काम करते हैं, इधर आके ग्रोसरी शॉप पे काम करते हैं, ठीक है। कसूर सिर्फ इन लोगों का जिन्होंने हमारे मुल्क को ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि हम उधर बैठ के काम कर सकें, और ये चीज हमारा दिल फटता है। लिहाजा अब इंशाल्लाह ताला, अब मैंने तो अपने बच्चों को सोचा है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के जाना है कि हमारे असल दुश्मन है कौन। मैं नवाज शरीफ के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं जरदारी साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अल्ताफ भाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन जर्नैलों के खिलाफ हूँ जिन्होंने हम लोगों को एक नौकर 1947 से लेकर लियाकत खान से लेकर कायद अजम से लेकर फातिमा जिना से लेकर इन्होंने हर बंदे के खिलाफ हमें भड़काया और हमें गलत गाइड करके हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि हमारी सारी कौम जो बच्चे पढ़े लिखे हैं पूरी दुनिया में जाके टैक्सियां चला रहे हैं, जो कुछ भी कर सकते थे अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते थे, लेकिन इन लोगों की वजह से हमें टैक्सियां चलाने पे मजबूर कर दिया पूरी दुनिया में, और अपने बच्चों को जो कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, उनको किधर से किधर पहुंचा दिया। तो बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, आप कंटिन्यू करें, मेरी तरफ से आखिरी दफा दोबारा माजरत के मैंने आपको पहले बहुत ज्यादा गलत समझता था, तो मेरी माजरत आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन अल्फाजों का, आपके जज्बात का। अल्ताफ भाई के अकाउंट को प्लीज आप अभी फॉलो कीजिए, आप अभी टीम मेंबर बन जाइए, और आप अभी अल्ताफ भाई के अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और आते रहिए। अल्ताफ भाई, चौधरी तारिक साहब ने मैसेज किया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। चौधरी तारिक साहब माइक ओपन कीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अरे तारिक मियां कुछ करो यार, ये इत्तला मतलब इसको सीरियस लो। तारिक भाई माजरा चाहते हैं, अल्ताफ भाई। तारिक भाई आप दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज, आपका रिबाउंड हो रहा है, वो वापस रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज, हाथ के हाथ।
तुम्हारा लिए है कि अब बहुत पाकिस्तान को ये खराबी की तरफ, तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, और अल्लाह करम करे बस, और इनकी साजिश जो ये इमरान खान साहब के खिलाफ बना रहे हैं वो नाकाम हो। चौहान साहब आपकी रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, मैं आपको देख भी रहा हूँ इनवाइट करने के लिए। तारिक भाई नहीं, तारिक भाई आपकी रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है मुझे आपके पास, आवाज रिबाउंड हो रही थी। बहरहाल इस वक्त जो 136 लोग, 136 लोग इस वक्त मौजूद हैं, आप प्लीज मेरी बात को आगे बढ़ा दीजिए कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने का फौज की एक मीटिंग हुई है क्लोज डोर, जिसमें मंसूबा बनाया गया है कि जिसमें यह बहस हुई है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो वहां पर इज्तिमाई तौर पर यह फैसला हुआ है कि कुछ नहीं, एक महीने का शोर होगा, उसके बाद हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा पूरे पाकिस्तान पे, ये वहां तय हुआ है। तमाम साथियों आप लोग आए हंगामी बुनियाद पर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे, और पाकिस्तान में जो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जा रही है, बस पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के लीडरों को हिम्मत और हौसला दे, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, शब्बख दोपहर, लेकिन अब दो तीन मिनट दे दीजिए, आपका शुक्रिया अल्ताफ भाई, भाई एक दो तीन मिनट हमें इनायत कीजिए। मौजूद ख्वातीन हज़रात, अल्ताफ भाई की आज फिक्री नशस्त जो कि हंगामी बुनियादों पर थी 169, आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश की थी कि जब भी अल्ताफ भाई के अकाउंट पे ब्रॉड पे अगर प्रॉब्लम आए, कुछ ग्लिंच आ रही हो, क्योंकि ये बाकायदा मनसूबा करके ये भेजा जाते हैं लोगों को कि ब्रॉड ख़राब की जाए, आपने डॉट या डैश या आप गिफ्टिंग कर दें, फौरी तौर पे कोई एक आध गिफ्ट भेज दें, या अच्छे मैसेज, गुड मैसेज आप लिखें कि यू आर वेरी नाइस अल्ताफ भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप मैसेज अच्छे लिखना शुरू कर दीजिए, डॉट डालना शुरू कर दीजिए, तो ग्लिंच फौरी तौर पे हट जाएगी, या गिफ्टिंग कर दीजिए। हफीज आज अभी इस वक्त गिफ्टिंग की नहीं, इस वक्त तो मुझे इत्तला देनी थी प्लीज, ठीक है ना। ओके साथी, अच्छी बात है अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून अल्ताफ भाई, खुदा हाफिज़।